अगर आप एथिस्ट या नास्तिक हो तो योग इक्वेशन से आज ये समझेंगे कि जिज्ञासु कैसे बना जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मृत शरीर है, इसके अंदर ऑक्सीजन, गैस, एयर, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आप डालोगे जीवित नहीं होगी। इसका मतलब जब जो जीवित शरीर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन, एयर, इन सब के साथ साथ कुछ ना कुछ और जाता है जो इसे जीवित रखता है। उसको उपनिषदों योग शास्त्र में प्राण कहा गया है। अब प्राण को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से। प्राण वो एनर्जी है जो शरीर को जीवित रखती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कुछ भी हो सकती है। बाय साइंस, विज्ञान, एनर्जी विदाउट बेस कैन नॉट एग्जिस्ट। एनर्जी का बेस जरूर होता है। अब इसी बेस को शास्त्रों में शिव तत्व, राम, कृष्ण, परब्रह्म, सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहा गया है। अब अगर प्राण डिटेक्ट नहीं हो रहा तो बेस भी डिटेक्ट नहीं हो सकता। इस बेस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो योग में, आसन, प्राणायाम, षटकर्म, ये सब प्रैक्टिसेस रहती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारी क्लासेस डाल रखी हैं, आप लिंक आपको बायो मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। अब आप एथीस से बाहर आके एक जिज्ञासु की कैटेगरी में आ जाओ और खोज में लग जाओ लॉजिक के साथ इस चीज की। अगर आप इन चीजों में लग जाओगे कि हनुमान जी ने पहाड़ कैसे उठाया या कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया, तो आप एक शब्दों, एक डिबेट के चक्र में फंस जाओगे और बाहर निकल पाओगे तत्वज्ञान की तरफ। इस रास्ते में आपको बहुत सारे मिथ्स मिलेंगे। ये तत्वज्ञान आपको इस सारे मिथ्स को बस्ट करने में मदद करेगा। शास्त्रों को तो कहा ही गया है कि एक शब्दों का जंगल होता है ये, शब्द जालम महारण्यम।